फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड एंड सेफ फ्रॉम द विंटर, सेफ फ्रॉम द डिजीजेस, सेफ फ्रॉम द इन्फेक्शंस और वायरल्स. एंड इफ़ यू आर वेल, सो हमेशा अपने आप को बचा के भी रखना. इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड राइट नाउ. सो इन दिस वीडियो वील बी स्टार्टिंग विद चैप्टर इंटरजेक्शंस. वी हैव seen the word interjection in our previous chapter, that was punctuation marks. Okay, so what are interjections? Why do we need to understand about interjections? Let's see. An interjection is a short sound, word or phrase spoken suddenly to express a feeling or emotion such as surprise, joy, sorrow, etc. So interjections kya hai? These are short sound, word and phrase. These are not just words. आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी interjection है वो of course एक word के form में लिखा हुआ है, okay? But वो एक sound भी हो सकता है, वो word भी हो सकता है, या एक phrase हो सकता है. कैसे? Might be 2 to 3 words मिला के भी हो सकता है, okay? जैसे कहते हैं well done, तो well done is also interjection. And they are, why do we make such sound? Why do we write these words? Why do we use these interjection phrases? So that we can express a feeling or emotion such as surprise, joy, sorrow. आपको कभी भी अपनी feelings को express करना है, अपने emotions को express करना है, you can make use of interjection. ये और स्पेसिफिक कर देंगे, या अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हो तो उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे. फॉर एग्जांपल, हुर्रा, वी हैव वन द मैच. हास, ही डाइड ऑफ टीबी. ब्रावो, यू हैव डन वेल. तो हियर इंटरजेक्शंस आर वाइज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन वी आर राइटिंग, तो हाउ डू वी नो द मूड ऑफ द राइटर, द टोन ऑफ द राइटर. कि आपको कैसे पता चलेगा कि आज यहाँ पे अगर लिखा है वी हैव वन द मैच, ठीक है, अगर यही मैं सैड होके कह दूँ वी हैव वन द मैच, और यही मैं कहूँगी हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो आप जब लाइव किसी से बात करो तो आपके एक्सप्रेशंस के थ्रू, आपके टोन के थ्रू सामने वाले को पता चल जाएगा. बट व्हेन वी नीड टू राइट इट, ओके, सो वी यूज इंटरजेक्शंस. एंड जैसे लास्ट टाइम अपन ने देखा था पंक्चुएशंस, ताकि अपन की जो राइटिंग है या जो स्पीकिंग है वो इंटरेस्टिंग हो सके, अपन को एग्जैक्ट मूड पता चल सके. आज मैं एक पैराग्राफ पढ़ रही हूँ सोरो से रिलेटेड, ओके, सैडनेस से रिलेटेड, बट सडनली वहाँ हुर्रे नहीं लिखा होगा कि वाओ नहीं लिखा होगा, ओके, सो वर्ड वहाँ पर क्या होगा, अलास, ओ, ऐसे इंटरजेक्शंस यूज हो सकते हैं. Some interjection words, alas, hooray, ha ha, fee, poh, oh, hello, ah. तो इसमें क्या है, कुछ साउंड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये लेटर्स से जुड़ के कुछ वर्ड बनाए तो ये वर्ड है. बट जैसे अपन कहते हैं ना आह मेरे लग गई, तो आ कोई वर्ड थोड़ी ना, ये एक साउंड है. अपन कहते हैं श, ओ गॉड, ठीक है, ओ गॉड तो वर्ड हो गया. अपन कहते हैं ओह, ओके, या आउच, ये सब क्या है, साउंड्स हैं. नीचे पॉइंट यही लिखा है, इंटरजेक्शंस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू काइंड्स. यहाँ पे जैसे ओ वर्ड है, तो अब मैं ओ हैप्पीनेस में भी यूज़ कर सकती हूँ, एंड ओ मैं सैडनेस पे कर सकती हूँ. कैसे? ओ वाओ, यू गॉट अ न्यू ड्रेस, एंड ओ इट इज़ सैड दैट हर ग्रैंड मदर इज़ इल. तो यहाँ पे मैं इनको अलग अलग वे में यूज़ कर सकती, इसलिए ये क्लासिफाइड नहीं है, इन मीन्स कैटेगराइज नहीं है इनटू काइंड्स. नेक्स्ट एग्जांपल्स, जैसे आपको मैंने कहा इंटरजेक्शंस वर्ड्स होते हैं एंड फ्रेज होते हैं एंड साउंड होते हैं. जैसे वाओ, ये इमोशन है. हाय, ग्रीटिंग में आ जाएगा. अग्रीमेंट, कि आप किसी चीज़ से अग्री कर रहे हो, ओके, हाँ मी भर रहे हो, देन यू विल से ओके. एंड साउंड क्या है, ईक, जैसे अपन कुछ गंदा देखते कहते आउच, ईक, तो इट इज़ अ शॉर्ट साउंड एंड वी आर एक्सप्रेसिंग सम ऑफ द इमोशंस और फीलिंग्स थ्रू दीज इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शन हेल्प द ऑथर सेट द टोन
ऑफ द सेंटेंस, टोन ऑफ द सेंटेंस. आज वहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ है, इफ़ आई से अगेन सोरो से रिलेटेड या फिर एंगर से रिलेटेड, तो वो पता कैसे चलेगा? विद द हेल्प ऑफ सम वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ इंटरजेक्शंस, और माइट बी विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशंस. ओके, लेट्स सी. हे, हेयर आर मोर इंटरजेक्शंस. कि अगर जब अपन को दिखाना है इंटरजेक्शन दैट शोज इमोशन, तो अपन कहते हैं वाओ, आउच, हुर्रे, रैट्स, टडा. ओके, सिमिलरली इंटरजेक्शन यूज एज ग्रीटिंग, हाय, हेलो, यो एंड हो. सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम इनफॉर्मल इंटरजेक्शंस आल्सो. इनफॉर्मल, जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, या अगर आप अपने घर पे ही इंटरजेक्शंस यूज कर रहे हो इन योर सेंटेंसेस, देन इट्स ओके. बट व्हेन वी आर राइटिंग इट फॉर्मली, तब अपन नहीं लिख सकते यो. ओके, आप कहोगे हेलो सर. ओके, ये नहीं कहोगे यो सर. सो दैट्स माई पॉइंट. नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन दैट शोज अग्रीमेंट एंड डिसअग्रीमेंट. तो इधर यहाँ पे जब आप अग्री कर रहे हो या किसी चीज़ से डिसअग्री कर रहे हो, तो आप इन वर्ड्स का यूज़ करोगे, येस, नो, या ना, ओके, नोप, यू बेट, श्योर. तो यहाँ पे फॉर्मल क्या है? सिर्फ येस एंड नो या ओके. हेयर यू आर नॉट राइटिंग दैट नो, नोप्स, यू कांट से इट फॉर्मली. अगर आप कहीं ऑफिस में जा रहे हो, ओके, या आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, तो आप कहोगे कुछ भी ऐसी डिसएग्रीमेंट की बात होगी, आप ये नहीं कहोगे नोप्स, नो सर, नोप्स, यू विल से नो सर, नो नोप्स, ओके, या यू बेट. ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे. इंटरजेक्शन दैट आर जस्ट साउंड्स. ओके, ये साउंड्स होती हैं, कैसे अ, अग, ग्र, मीन्स अ, मीन्स हट जाओ, फ्यू, मीन्स थक जाते हैं, कहते ना उफ, फो, या फ्यू. तो दीज आर साउंड्स. नाउ वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट हियर, वाओ, नाउ यू नो अ लॉट ऑफ इंटरजेक्शंस, ऑफ कोर्स यू नो. वेट, डोंट फॉरगेट टू यूज पंक्चुएशन टू सेपरेट द इंटरजेक्शन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. अब आपको पंक्चुएशन मार्क लगाना है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क, कब? एक इंटरजेक्शन के बाद. इंटरजेक्ट क्यों? क्योंकि आप इंटरजेक्शन को सेपरेट कर रहे हो बाकी सेंटेंस से. यू आर सेपरेटिंग द इंटरजेक्शन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सो हेयर आर मोर इंटरजेक्शंस. कि आप ये सब जो इंटरजेक्शंस है अपन कब यूज़ कर सकते हैं. सो आई एम पॉजिंग फॉर अ सेकेंड. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके इनको रीड कर सकते हो कि ये इंटरजेक्शंस कहाँ यूज़ होंगे. ओके, आई होप आपने अब तक पॉज कर दिया होगा या एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नेक्स्ट, अगेन, सो जब आप रिवाइज कर रहे हो तो ये स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो. अदरवाइज वीडियोज़ आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. यूट्यूब यू कैन सी इट, पॉज इट एंड कंपेयर इट विद दीज एग्जाम्पल एंड योर बुक एग्जाम्पल्स. सो अगेन यू कैन पॉज इट और मेक टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ लेट्स सी, there are some more, I can minimize it so that you can easily take the screenshot. Okay, कि जब आप अगर fear में, सबसे last example है, अगर आप कभी डर वाली emotion बताना चाह रहे हो या कोई एक story लिख रहे हो जिसमें एक person को डर लग रहा है, that they are afraid of or they are showing the expression of fear, you can say yikes. I hope I'm listening that sound, that is very horrifying. Okay, तो ये क्या हुआ कि मेरे को डर लग रहा है, तो मैंने एकदम से कहा yikes, this sound is very horrifying. Oh my god, कि ये अपन generally क्या कहते हैं, oh my god, या oh, ole, right, we will do it afterwards, these more example. And students, again I'm requesting, if you find some extra sound in the video, so please just ignore it, just focus on what you are learning out of this video. So let's see examples with the sentence, hooray, we have get a scholarship, what a beautiful girl she is. Ab yahan pe kya hai,
व्हाट तो यहाँ पे व्हाट क्या है, ये पूरा का पूरा फ्रेज हुआ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क। फर्स्ट अपन ने देखा था एक्सक्लेमेटरी मार्क इंटरजेक्शन को दूसरे सेंटेंस से सेपरेट कर रहा है, यहाँ पे सेकंड वाले में ये एज अ होल सेंटेंस है और यहाँ पे सेपरेट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये एक फ्रेज है, तो इसमें लास्ट में आप देख रहे हो एक्सक्लेमेटरी मार्क। अलास हर मदर डाइड, तो यू आर शोइंग योर सैडनेस, एंड अगेन एक्सक्लेमेटरी मार्क, अगेन व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज। ओके सो व्हाट अ, जैसे आपके एग्जांपल्स जो एक्सरसाइज जो बुक में दी हुई है इसमें भी आपका दिया हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, तो ये हो गया एक इंटरजेक्शन फ्रेज। यहाँ पे सिर्फ व्हाट को व्हाट के बाद अगर आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दोगे दैट इज रॉन्ग। ओके नाउ नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट, हाय रीटा ही सेड सॉफ्टली, तो यहाँ पे क्या आ गया हाय, और यू कैन से हाय रीटा, तो ये पूरा क्या है इंटरजेक्शन फ्रेज। आप जब भी इंटरजेक्शन फ्रेज लिखोगे अगर वो स्टार्टिंग में है, तो अगर किसी नाउन प्रोनाउंस के साथ है तो आप देख रहे हो कि इंटर एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगा हुआ, अगर सिंपली हाई लिखा होता तो यहाँ पे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क देखते। सो हेयर आर मोर एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन, जैसे आपने हुर्रे देख लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन ओ, या अब आ गया जीसस, मींस अब ये जीसस क्या है, ये वर्ड है, ये नाउन है, गॉड है, बट अगर जैसे ही मैंने इनको सेंटेंस में यूज़ करा, जीसस यू सेव मी फ्रॉम द कल्प्रेट्स, मींस ओ गॉड की जगह मैंने कह दिया जीसस, ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जीसस क्या है, एक इंटरजेक्शन है। अगर जीसस अपन कहीं और लिखते हैं तो वो एक गॉड है, नाउन है। ओके वेल टेंथ पॉइंट इज वेल, वेल आई हैव एन आइडिया टू गेट आउट दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे शायद मैं एकदम एक्साइटमेंट या ईगरनेस से अब बता रही हूँ कि वेल अब मेरे पास एक आइडिया है एक सिचुएशन से बाहर निकलने का। सो वेन आई एम एक्सप्रेसिंग एनी इमोशन, ओके फीलिंग, देन आई विल पुट एक्सक्लेमेटरी मार्क। व्हाट, जैसे ट्वेल्थ है, व्हाट आई हर्ड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड जैसे ही आप इंटरजेक्शन लेते हो आप थोड़ा सा पॉज लेते हो, कैसे व्हाट आई हेयर दिस फर्स्ट टाइम, जैसे आपको एक नॉर्मल कॉमन एग्जांपल दूँ, आप सडनली आए मॉर्निंग और मैम आपको आते ही कह रही है कि एक सरप्राइज टेस्ट है, तो आप कहोगे ओह व्हाट आर यू किडिंग मी, इस तरीके से आपके एक्सप्रेशन होंगे इधर, इसलिए आप कहते हो क्या, तो सिमिलरली यहाँ पर रुकते हो, फिर कहते नो मैम नहीं लेना टेस्ट। सो these are the same example, you just need to compare it with your personal life. Okay rest are we have done, so I'm again making it minimize ताकि आप एक screenshot ले लो या फिर video को रोक के ये वाले examples पढ़ लो। So we end this video here, thank you so much for listening it patiently, I hope you learned something new and interesting. Thank you again. Stay well, stay safe.